आप सबका स्वागत है। हम 20 मई के शुरुआत में पहुंचे हैं। कुछ भी नयापन चाहिए हमारे जीवन में, अगर हमारे संबंधों में नयापन चाहिए, हमारी लाइफ में नयापन चाहिए, हमारे घर बार में नयापन चाहिए, बिजनेस में नयापन चाहिए, जॉब में नयापन चाहिए, तो हमारे को सोच को नया करना पड़ता है। हमारे सोच को नया बनाने के बाद में हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस हमें आगे लेके जाते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। सोच जो है, थॉट्स जो है, वो फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल कहें आप उसको, या आप कहें कि वो अणु से भी और ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म संकल्प। अणु हो गया प्राकृतिक शरीर, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब तक आत्मा रूपी अणु, फिजिकल अणु नहीं, आत्मा रूपी अणु चेंज नहीं होगा, तब तक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रकृति मतलब फिजिकल वर्ल्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, घर समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रिश्तों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सोच किसकी बदलनी है? अपनी बदलनी है, और को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जब हम औरों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब करके, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अनबेलापन और क्रोध जैसी उत्पत्ति होती है, और उसकी हानि हमें होती है और हम औरों को भी हानि पहुंचाते हैं। हमारे संबंध बिगड़ते हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, तो नई दुनिया कैसे आएगी इससे? तो इसलिए परमात्मा आज कहते हैं कि नई दुनिया लाने के लिए अपनी सोच को बदलो, अपने तौर तरीकों को बदलो, नए तरीके अपनाओ, और उसमें धैर्यता रखो कि समय लगेगा परिवर्तन में, लेकिन परिवर्तन होके ही रहेगा नई सोच से। क्योंकि कलयुग में हमने पुरानी सोच इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। हमें कोई भी काम कराना होता है, हम चिल्ला के, क्रोध करके, अहंकार दिखा करके, घृणा नफरत दिखा करके, और को नीचे दिखा करके हम काम करते हैं, लेकिन अब वो सोच नहीं चल पाएगी नई दुनिया के लिए। परमात्मा कहते हैं नए थे नए, ऊंचे थे ऊंचे संकल्प द्वारा। अब ऊंचे तो ऊंचा संकल्प क्या हुआ? क्योंकि हम कहते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, ऊंचा है, धरती नीची है, उसी तरीके से हमारी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो सोच ऊंची होनी चाहिए, उससे हम ऊंची जगह पर जाते हैं। ऊंची जगह मतलब ऊपर, फिजिकली ऊंची नहीं, स्वर्ग को ऊंचा कहा जाता है, ऊंची स्थिति, ऊंचा संबंध, ऊंचे लोग और ऊंची सोच वाली दुनिया। वो स्वर्ग यहीं धरती पर था, आज परमात्मा उसको बनाने के लिए फिर से आए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं नए थे नए, ऊंचे थे ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। अब नई दुनिया की झलक कैसे होगी? अगर हम अपने घर बार में, अगर हम अपने परिवार में, अगर हम अपने बिजनेस में, अगर हम क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत दिखाते रहेंगे, तो हम नई दुनिया की झलक नहीं, हम वही पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, और चाहते हैं कि हम पुराने सिस्टम से चले और नवीनता आ जाए। जहां पर कि आपको पता होगा, एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप एक ही सोच को बार बार सोचते हो और चाहते हो कि डिफरेंट रिजल्ट्स आए, तो ये भी एक बेवकूफी है, ये भी समझदारी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि नया दिन नई रात, तो सब कहते हैं कि नया दिन आएगा, नई रात आएगी, मतलब कि स्वर्ग आएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा। हमारी सोच जब तक परिवर्तन नहीं होगी, तब तक ना हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो हमारे घर बार में, परिवार में, संबंधों में, साथियों में, हमारे बिजनेस में, हमारी जॉब में, हमारे धन दौलत में, हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं आएगा। ऊंचे ते ऊंचा रहे तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। ऊंचे ते ऊंचा रहे हमारे संकल्प, हमारे हमारा समय, हमारे बोल, अगर ऊंचे तो ऊंचे रहे तो दुनिया में नई झलक देखने का आवाज फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। उनको लगेगा कि चलो भाई, अब तो हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, तो अगर हम नहीं परिवर्तन करेंगे तो लेट हो जाएंगे। और दुनिया चेंज हो रही है, आप इन आंखों से देखेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होती दिखेगी, लेकिन अंतर आंख से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया में आत्माएं जागृत हो रही है, स्पिरिचुअल हो रही है। वो उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, उन्होंने अहंकार ट्राई कर लिया, क्रोध ट्राई कर लिया, ईर्ष्या, घृणा ट्राई कर लिया, अब वो आत्माएं थक गई उन चीजों को ट्राई करते करते, उनको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं, इसलिए अब वो दूसरा तरीका, आध्यात्मिक तरीका, आत्मिक तरीका, गुणों को, शक्तियों को इस्तेमाल करके अपने घर परिवार को, अपने संबंधों को, अपने स्वास्थ्य को परिवर्तन कर रही है। अभी तक लेट नहीं हुआ है, आप भी कर सकते हैं आज से ही, इस क्षण से ही। मुझे त्यागना है, त्यागना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागना है, जीवन को, खान पान को त्यागना नहीं है। परमात्मा फिर कहते हैं, अच्छा, फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे स्थापना के आदि में संपन्न और साक्षी स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही। स्टार्टिंग में जब ब्रह्म कुमारी 1936 में शुरू हुआ, तो परमात्मा कैसे बोलते कि मैं तुम्हारे स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं? लोग हंसते मजाक करते, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति है कि साक्षात्कार करा सकते हैं वो किसी को भी।
तो परमात्मा ने नए बच्चों को साक्षात्कार कराना शुरू किया। देखो ऐसी दुनिया होगी, सोने के महल होंगे, ताज पहने हुए छोटे छोटे प्रिंस प्रिंसेस होंगे, घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, बाग बगीचे होंगे, वहां पे हरियाली होगी, कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पॉपुलेशन बहुत कम होगी, वहां पर जो चाहोगे वो आपके पास होगा। और परमात्मा ने ये जब साक्षात्कार कराए तब जाकर के लोग मानने शुरू हुए कि ये कोई करा नहीं सकता भगवान के अलावा। तो जो हुआ स्टार्टिंग में लीला जो हुई थी 1936 में वो फिर से रिपीट होगी, परमात्मा कहते हैं। ऐसे ही अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने में निमित्त बनेगी, परमात्मा कहते हैं। लास्ट में भी आपको ये साक्षात्कार होने शुरू होंगे। जो बच्चे क्लीन और क्लियर होंगे, जिन बच्चों का लोभ अहंकार घृणा नफरत नहीं होगी, जो बिल्कुल ही परमात्मा की अलाइनमेंट में चल रहे होंगे, उनको ये साक्षात्कार होंगे। लेकिन जो लोग फंसे हुए होंगे तेरे मेरे में, उनको ये साक्षात्कार नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये साक्षात्कार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको परमात्मा से गुण शक्तियां मिले और आप भी सुख शांति प्रेम आनंद से अपने जीवन को परिवर्तन करें, तो आपको भी मोस्ट वेलकम है ब्रह्मा कुमारी इस माये और इस ज्ञान को लें। ओम शांति।